शिव जो आदि हैं, अनंत हैं, शिव जो कण कण के वासी हैं, जो इस धरा पर अविनाशी हैं, शिव के महात्म्य को कौन नहीं जानता, देवता हो, मानव हो या फिर दानव हो, सभी शिव का पूजन पूरी श्रद्धा से करते हैं एवं मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। सतयुग से लेकर वर्तमान में कलयुग तक शिव विद्यमान हैं और उनकी स्तुति हर पाप से मुक्ति दिलाती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे ही प्राचीन अलौकिक शिव मंदिर में, जिसकी स्थापना द्वापर युग के महाभारत काल में ब्रह्म हत्या के कलंक से निवृत्त होने के लिए महाबली भीम ने की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत संरक्षित ये स्मारक श्री पृथ्वीनाथ महादेव मंदिर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शहर से करीब 33 किलोमीटर दूर खरगोपुर के निकट स्थित है। इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग विश्व का सबसे बड़ा पौराणिक शिवलिंग माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार इस मंदिर में शिवलिंग का अर्घा जो सामने दिखता है उसके नीचे क्रमशः वृहद होते क्रम में 6 अर्घे और भी स्थापित हैं। इस मंदिर परिक्षेत्र को धार्मिक एवं ऐतिहासिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का संकल्प लिया गया है। करीब 5000 वर्ष पुराने इस धार्मिक स्थल को सुसज्जित एवं विहंगम बनाने की प्रक्रिया प्रस्तावित है। पर्यटकों की सुविधा के लिए मंदिर परिक्षेत्र में समस्त प्रकार की आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का विकास कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके लिए एरियल सर्वे, टोटल स्टेशन सर्वे तथा आर्किटेक्चरल डिजाइनिंग का कार्य पूर्ण होकर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें संस्कारशाला, उपवन, हर्बल वाटिका, आश्रम, अमृत सरोवर, खेलकूद एवं मनोरंजन स्थल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, धर्मशाला और पार्किंग इत्यादि का निर्माण एवं संवर्धन कार्य कराया जाना है। आने वाले समय में ये स्थल संपूर्ण सुविधाओं से सुसज्जित एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल होगा। यहाँ देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा बाबा पृथ्वीनाथ महादेव की कृपा से मनोवांछित कामनाएं पूर्ण हो सकेंगी। इसके साथ ही ये परियोजना मंदिर क्षेत्र के सभी वर्ग के लोगों को रोजगार के कई आयाम भी देगा, चाहे वो महिला हो, किसान हो, कलाकार हो, कारीगर हो अथवा युवा हो। रोजी रोटी के लिए किसी को अपने गांव को छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा और उनके उत्पाद, उनकी कलाकारी व उद्यमशीलता को देश विदेश में पहचान भी मिलेगी, जो लोगों को उत्कृष्ट बनाने में नया आयाम होगा। हर हर महादेव।